अल्लाह खुश आमदेद खैर तमाम देखने वालों को प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नजीन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलों और मसाइल पर गुफगू करते हैं सुबह के वक्त कोशिश करते हैं आवामी मसायल के ऊपर गफतगू की जाए हालत हाजरा के ऊपर गुफ्तू की जाए जो इस बेहद ज़रूरी है और ख़ासतौर पर इस, इस वक्त जो इस पूरी दुनिया की जो सियासी सूरत हाल है बिलखसूस मैं हमेशा ये बात दोहराता हूँ कि मशक वस्ता की जो सूरत हाल है ये बहुत पेचीदा हो चुकी है और इसको समझने की बेहद ज़रूरत है बहरहाल हम अपने मामला में इतना उलझ कर रह गए हैं कि शायद हमारे पास अब वक्त नहीं है इन मामला को समझने का बहरहाल हर शख्स अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है इन मामलों पर तबसरा करने की राय देने की जो कुछ हो रहा है मशक में उस पर और उसके असरात जो पूरी दुनिया पर नज़र आ रहे हैं उसके हवाले से बहुत कुछ कहा और लिखा जा चुका है और ये सिलसिला जारी है सोशल मीडिया पर तो बहुत ज़ोर व शोर से ये सिलसिला जारी है बात मुख्तसर करूँगा क्योंकि क्यों कहने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन वक्त मेरे पास महदूद है हालात पर नज़र इस वक्त रखी जाए ये बेहद ज़रूरी है मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए कि मुताला अपना वसी कीजिए और पहले मामला को समझ लीजिए उसकी तारीख जान लीजिए सही तारीख जान लीजिए और उसके बाद फिर ज़रूर इन मामला पर तबसरा कीजिए मौज मेहमान स्टूडियोज़ में तशीफ रखते हैं पहले उन्हें मैं खुश आमद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तु के सिलसिले को जारी रखूँगा आज हमारे मौज मेहमान परवेज़ मद्रास वाला साहब एक जानी पहचानी शहर कराची की शख्सियत हैं बिज़नेस के हलकों में पहचाने जाते हैं और बिज़नेस के हवाले से जो मामला और मसाइल हैं उस पर हमेशा बात भी करते हैं और उनको हल करने के लिए पेश पेश भी रहते हैं परवेज़ मद्रास वाला साहब को खुश आमदा परवेज़ साहब बहुत शुक्रिया थैंक यू सो वेरी मच आप प्रोग्राम में हमें वक्त देते हैं उनके हमरा रहा तशरीफ़ रखते हैं जी हमारे अपने नासिर आज साहब तजयेकार की हैसियत से यहाँ पर हमेशा मौजूद होते हैं और आपका भी ताल्लुक़ बिज़नेस कम्यूनिटी से है और बड़ी अच्छी गुफ्तू करते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल और ख़ासतौर पर मौशी सूरत हाल के हवाले से जब भी हमें बात करनी होती है नासिर भाई को मदू करते हैं सुबह के वक्त और वो हमारी दावत पर लब बैक कहते हैं नासिर भाई को खुशेद कहता हूँ बहुत शुक्रिया नासिर भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए परवेज़ भाई अब मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से तो हर शख्स तबसरा कर रहा है लेकिन समझने की बात यह है कि ये मामला जितनी जल्दी हल हो जाए उतना बेहतर है इस वक्त पूरी दुनिया में जो आगे निकलने की दौड़ है माशी हवाले से अतबार से उसमें हर कोई सबकत ले जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन हमारे यहाँ सूरत हाल इससे यकसर मुख्तलिफ है आज बड़े बुनियादी मसाइल के ऊपर बल्कि हम जो आ, भुट्टो साहब का एक बड़ा मशहूर एक केस रहा जिसके अंदर एक वज़ी अजम को जो सजा हुई उसके ऊपर आज तक बात कर रहे हैं यानी कि अभी तक ये तय कर रहे हैं कि आया वो फ़ैसला सही था या गलत था मैं उसकी उसमें तो नहीं जाता तम अब समझने की ज़रूरत ही है कि कब ये मामला हल होंगे फिर हम मौशी मसाइल को और ठीक करने की तरफ़ आएंगे, फिर हमें जो कारोबार से जुड़े मामला और मसाइल हैं उसके ऊपर बात करने का मौका मिलेगा क्योंकि अभी तो हम बहुत सतही मसाइल के अंदर फंसे हुए हैं मैं चाहूँगा जरा इस पर गुतगु की जो जी भाई बहुत ही अच्छी बात थी बहुत अच्छा सवाल पूछा वह सुबह आपने बड़ा गर्म सवाल गर्म है इसमें देखें बात यही एक अलमिया रहा है हमारे मुल्क में कि हम हमेशा जो है ना आगे बढ़ने के बजाय ना हम जो पुरानी जो मसले होते हैं जो भाई ये कैसे हो हो गया ये होता तो ये हो जाता ऐसे करते तो वैसे हो जाता भाई दुनिया अब चांद पे चली गई है इंडिया ने भी वो अपना वो अपने जो है ना उस पर लैंड करा दिया है चांद पे, ठीक है ना और बाकी जो है ना वो इंडस्ट्रियाँ कहाँ से कहाँ तरक्की कर गई हैं अब तो एआई का जो है ना दौर आ गया है अब एआई के दौर में अब आप ये बातें करते हैं कि यार उस वक्त जो फ़ैसला हुआ था उसका उसका क्या आ, है बेसिस क्या थे अब उसको हम डिबेट करें तो ये क्या है कि ये अदलिया का भी टाइम वेस्ट हो जाएगा फिर इसके बाद हमारी जो डायरेक्शन है ना वो पीछे जो पुरानी जो चीज़ें हैं उसको सुधारने में चली जाएंगी अब देखें पुरानी चीज़ें सुधारने से मामले आगे नहीं बढ़ते लोगों का पेट नहीं बढ़ता आगे जो लोगों की जो डिमांड है जो हमारी जो अभी कॉम जिस हालत में पहुंच चुकी है महंगाई जिस हाल में है अभी और वो रुकने का नाम नहीं ले रही है और इसके बाद जो है ना हमारे ऊपर जो है ना जो कर्ज़ों का जो है ना बोझ बढ़ रहा है वाई डोंट बी टॉक अबाउट दैट कि ये कर्ज़ों का बोझ क्यों बढ़ गया इतना ऐसी कौन सी यहाँ पाकिस्तान में कौन सी कौन सोने की कान लगा दी किसी ने या कौन सी ऐसी चीज़ लगा दी या कौन सा एक सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट हमने बना दिया जिससे लोग इतने सारी लोगों का भला हो गया इस चीज़ों पे कोई बात करे ना कि भाई ऐसा कौन सा जो इतना हमने लोड डाल दिया लोगों के ऊपर और जिसका आज हमारी कौम भुगत रही है जो महंगाई का बोझ डाल दिया जो कर्जों का बोझ डाल दिया ये किसने क्या इसका हमें क्या फायदा हुआ किसने, उसकी अकाउंटेबिलिटी करो उसको कोर्ट में बोलो उसको जजों को बोलो कि आई डोंट यू जस्ट टेक द रिकॉर्ड और वो सारी चीजों को सामने लाओ ताकि लोगों को ये पता चले कि भाई ये जो चीजें हैं ना ये करने की है डूज और डोंट्स वाली चीजें सामने लेके आओ कि भाई ये करने वाली हैं ये नहीं करने वाली हैं ये कर्जा लेके हमें ये नुकसान हुआ और हमें आगे क्या करना है ताकि कौम भी अपने पेट पे पत्थर बांधे और हमारे जो हुक्मरान हैं उनके साथ साथ लग जाए कि हाँ यार अब जो है ना इन्होंने हमें बता दिया कि देखो ये मजबूरी थी हमारी और अब हमें आगे ऐसे बढ़ना है ताकि वो पहले से तैयार हो जाए पेट पर पे पत्थर बांध ले और एक रोटी खाने वाला बोला मैं आधी रोटी खाऊँगा मगर मैं मैं मुल्क के साथ हूँ मैं आ, सारे लोगों के साथ हूँ और हम मुल्क को आगे निकालेंगे ये होनी चाहिए सोच और इस तरीके से लोगों को आगे लेके चलना चाहिए इस लोगों को साथ लेके चलना चाहिए ये नहीं कि भाई हम पुरानी जो चीज़ें हैं जो अब वो लोग चले गए दुनिया से या वो लोग नहीं हैं अब उन चीज़ों पे रोना धोना करना वो मेरे ख्याल में वो नहीं है अब तो ये तो यह है कि लियाकत अली खान पे भी बात हो सकती है ठीक है ना वो तो ऐब खान पे भी हो सकती है फिर इसके बाद कायद अजम पे भी हो सकती है फिर इसके बाद तो बहुत सारी ऐसे हैं कि भई हम उसके ऊपर ही बात करें और आगे जो हो रही है दुनिया जा रही है ना उन चीज़ों पे हमें बात नहीं कर टेक्नोलॉजी के बात पर नहीं करनी है हमें वो बात पोल्यूशन पर बात नहीं करनी है पूरा लाहौर बंद हो गया है हमें उस पर बात नहीं करनी है स्कूल कॉलेजेस को बंद करने की उन्होंने वो फैसला सुना दिया मगर वो इंडस्ट्री जो दुआ छोड़ रही है उसका कोई सदबाव नहीं करना है तो भाई हमें इसको ये सोचना चाहिए कि हम हमारी यूथ को जो है ना वो पीछे रख रहे हैं और हम जो जो सनत हैं जो पैसे इधर उधर बांटते फिरते हैं उनको काम उनको डिस्टर्ब नहीं करना है तो बात दरअसल ये है कि ये हमारी डायरेक्शन जो है ना ये सही नहीं है अभी देखें ये कॉप ट्वेंटी एट हुआ था इसके अंदर देखें दुनिया भर के लोग आए थे कितनी उन्होंने सीरियस बातें की किस तरीके से उन्होंने एक एक मुल्क ने अपने मुल्क की डायरेक्शन बताई कि हम ये करने वाले हैं हम ये चाहते हैं हम ऐसा हो जाएगा और दूसरे मुल्कों को भी उन्होंने बताया कि अगर आप ये हमें सपोर्ट करो तो हम ये चले जाएंगे आप बताएं कि हमने पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हमने कौन सी ऐसी बात की हमारे अपने मसले ही हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हमारे लाहौर में हमारे मसले सॉल्व नहीं करते कराची में जो पोल्यूशन के प्रॉब्लम है हम वो सॉल्व नहीं करते तो हम क्या वहाँ कॉप ट्वेंटी में जाके बातें करें देखो वो नेक्स्ट लेवल की बातें कर रहे हैं हम हमारे बेसिक मसले नहीं सॉल्व कर सकते हमारी गटर की लाइनें हम चौक पड़ी होती हैं वो हम नहीं कर सकते हम रोडें नहीं बना सकते हम लोगों को पानी नहीं दे सकते गैस नहीं दे सकते बिजली नहीं दे सकते हेल्थ केयर की फैसिलिटी नहीं दे सकते हम कॉप ट्वेंटी एट में बैठने में भी हमारा हम 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 जाके क्या, क्या करेंगे क्या? और भाई दुनिया में लोग गए हैं कॉप ट्वेंटी एट में वो उन चीज़ों को जो बेसिक जो एम्यूनिटीज़ है ना वो लोगों को दे चुके हैं वो नेक्स्ट लेवल की बातें कर रहे हैं वो चाहते हैं कि आगे क्या होगा फॉसिल फ्यूल के क्या इम्पैक्ट होंगे एनवायरमेंट में वो उस किस्म की बातें कर रहे हैं तो मैं तो ये समझता हूँ कि हम बेसिक चीज़ों पे जाएं हम लोगों को ये अवेयरनेस दें हम लोगों को ये बताएं कि भाई हमारा कर्जा कैसे बढ़ा है हमारी आगे रोड मैप क्या है रोड मैप को हम करेक्ट करें लाइक माइंडेड लोगों को लेके कर आएँ टेक्नोक्रेट्स को लेके कर आएँ जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि उनको लेके आएँ उनको ऑन बोर्ड रखें ताकि हमें पता चले कि दुनिया में क्या है देखिए पाकिस्तानी दुनिया भर में फैले हुए हैं आपको पता है कि अब आप देखें कि जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं ना उससे ज्यादा तो पाकिस्तानी यहाँ पाकिस्तान में रेमिटेंस भेजते हैं ठीक है ना जितना एक्सपोर्ट करते हैं तो भाई दुनिया में इतने पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान में आज भी जो है ना वो रेमिटेंस भेजते हैं आप उन लोगों से लें उन लोगों से मदद लें कि यार उन्होंने दुनिया में क्या चीज़ें देखते हैं वो दुनिया में किस जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ उनकी एक्सपर्टीज काम आती है उनको ऑन उन बोर्ड लें और पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं जब हम आगे बढ़ेंगे वरना हम यही बातें करते रहेंगे और ये अगले दस साल या पचास साल तक हम बातें करने में पूरे हो जाएंगे बिल्कुल ऐसा ही है, है। नसर भाई बड़ी खुलकर परवेज़ भाई ने निशानदेही की है और यही ख्याल है कि हमारा प्रॉब्लम है कि हम डायरेक्शन लेस हैं और जब समत का तयन नहीं होता तो फिर यही मामला जेर बहस आएंगे आज भी जैसा अभी परवेज़ भाई ने बड़े खुलकर इस चीज़ की निशानदही की दुनिया में क्लामिटीज़ के ऊपर बात हो रही है ग्लोबल वार्मिंग पे बात हो रही है क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात हो रही है ये मौजूद जेर बहस आ रहे हैं और हमारे यहाँ आज भी सड़कों का आप हाल देखें जगह जगह सीवरेज का पानी आपको खड़ा नज़र आ रहा है ये हो क्या रहा है अभी इलेक्शन की कैंपेन चल रही है सब यही सवाल कर रहे हैं कि आपके पास एजेंडा क्या है जैसे परवेज़ भाई ने कहा कि रोड मैप क्या है कैसे ठीक करेंगे किसी को कुछ नहीं पता कोई डायरेक्शन नहीं है फरमाइए क्या जी बहुत शुक्रिया यासिर भाई बड़ी अच्छी बातें की इन्होंने और बिल्कुल बहुत अच्छी निशानदेही की है सारी बातों की बात यह है कि आज भी हम ये हम बेसिक इम्यूनिटीज़ को तो हम रो रहे हैं ये बात तो फैक्ट है लेकिन इसके साथ एक बहुत अलमिया ये है कि अभी तक हमने कोई रोड मैप इन टर्म्स ऑफ बिजनेस नहीं दिया जो जो रेवेन्यू जनरेशन है वो बिज़नेस के थ्रू होती है इंडस्ट्रीज़ के थ्रू होती है मुझे आप बताइए कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी दे दी है इन्होंने गैस के प्राइसेस पीक कर दिए उन्होंने बिजली है नहीं प्राइसेस ज़्यादा हैं उसकी तो जब आपकी इंडस्ट्रीज नहीं लगेंगी फिर आपकी जो सेकंड सबसे बड़ा सेक्टर है वो है रियल एस्टेट सेक्टर उसको आप मुसलसल डाउन कर रहे हैं टैक्सेस लगाए चले जा रहे हैं उसके ऊपर तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपका ज़्यादातर जोर आजकल जो मैं देख रहा हूँ वो है खेती बाड़ी पर ठीक है आप कहते हैं कि वहाँ जाके कच्चे की ज़मीनें दे, दे देंगे वहाँ जाके आप खेती करें और फसल उगाएं और वो सारा तो इसका मतलब है कि आपका आगे फ्यूचर जो है जो मुझे नज़र आ रहा है तो कोई इंडस्ट्रियल फ्यूचर नहीं है कोई आपका जो रियल इस्टेट फ्यूचर नहीं है आप ये चाहते हैं कि ये सारे लोग वहाँ जा जाके जो है ना वो खेती बाड़ी करें अब मुझे एक बात बताइए कि कराची का बिज़नेसमैन जो इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल है ठीक है हम लोग देखें कच्चे के इलाकों में हम नहीं उतर सकते हम लोग वहाँ जाके के वहाँ वडेरा सिस्टम है वहाँ पे लोकल जो जो चैलेंजेस हैं हम उसको नहीं फेस कर सकते हम एक पुरमन तरीके से काम करते हैं हम ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं ऐसी जगह पर जो सिविलाइज जगह हो ठीक है वो भी वो सिविलाइज जगह नहीं है अभी जो साफ़ बात है उसमें उसकी वजह से पुलिस भी जो है इन्फ्लुंस में रहती है वहाँ वडेरे के सिस्टम में आप वहाँ पर ज़मीनें दे के आप क्या समझते हैं कि हम वहाँ ज़मीनें लगाएं और हम वहाँ चले जाएँ फिर हम भी वही वडेरे वाले सिस्टम करें वही नहीं हो सकता हमें हमारे तरीके से काम करने दें जो हमें आता है जो हमें जनरेशन से हमारे बाप दादा ने सिखाए हमें इंडस्ट्रीज चलाना सिखाए बिजनेस चलाना सिखाया है हमें, सिखा सिखा हमें वडेरा सिस्टम नहीं सिखाया लेकिन आप चाह रहे हैं आप भावलपुर की साइड पर वहाँ पर आपने कुछ चालीस पैंतालीस हज़ार एकड़ है इसके अलावा लिया साइड पर है विहाड़ी साइड पर है अब आप सिंध के कच्चे के इलाके में जो दरिया के आस वाले इलाके हैं वहाँ पर आप चाह रहे हैं कि ज़मीनें आप सस्ते दामों पर पे देंगे और उस पर जाके आप इंडस्ट्री वो खेती बाड़ी करें और उस पर जंगलात लगाएं और फॉरेस्ट करें और फॉरेस्ट बड़ी बड़ी मांग होती है इन्वायरमेंटल वो सारी चीज़ें लेकिन ये करेगा कौन जाएगा कौन वहाँ पर वहाँ रहेगा कौन वहाँ का रिहाइश का तरीका क्या है आप एक कराची वालों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझे तो समझ नहीं आ रही मैंने सुना है पूरी कोई आठ लाख एकड़ का इनका प्लान है कि इसको ये करें और ये एग्रीकल्चर सारा बनाएं उसके बाद वो उसको एक्सपोर्ट करेंगे बात यह है कि आप जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको क्यों कर रहे हैं इंडस्ट्रीज को तो चलाए ना, चारे चारे ना भाई देखिए हमेशा से होता यह रहा है कि हमारे यहाँ एक अर्बन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए तो काम किया गया बट रूरल साइड के ऊपर जो हमारी पॉलिसी थी ना वो क्लियर नहीं थी अच्छा होता ये इसको एट द सेम टाइम आपको दोनों कुछ साथ लेकर चलना है ताकि एक बैलेंस क्रिएट हो सके जब यहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस हुआ तो उसको बिल्कुल छोड़ दिया उसका नतीजा ये निकला कि फूड क्राइसिस आया और आने वाले वक्त में आपको इसके फूड सिक्योरिटी का मसला हुआ और आगे भी होगा जी। अब जब उस तरफ ये फोकस शिफ्ट हुआ तो ये अर्बन पॉलिसीज को एक तरफ कर दिया जब इसको सेटिस कर दिया तो अब जाहिर है कि वो ये वाले मैंने वो पहले वो वाले वही वो वो मैंने अर्ज किया जी, जी। मैंने कहा कि इसको एग्जिस्टिंग पॉलिसी को तो और बेहतर करके बल्कि फैसिलिटीज देनी चाहिए जी, जी, क्या जी। बढ़ के इंडस्ट्रिया लगाए और हाई हाई वैल्यू एडेड इंडस्ट्रीज लगाए ये धागे तो और तो इससे निकल जाए और आगे बढ़ के हम भी कुछ मतलब हाई फाई इंडस्ट्रीज लगाए कोई आई टी में हम आगे बढ़े कोई और भी मतलब बहुत सेक्टर है बजाय इसके कि आप वो उन लोगों के लिए करें जो जो उसमें एक्सपर्ट है जो वडेरे हैं या जो हारी है जो किसान है उन लोगों के लिए वो फैसिलिटीज दें उनको भी देनी चाहिए फैसिलिटी को टैक्स नेट में भी लेके हैं बड़ा रेवेन्यू मिलेगा लेकिन जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको अगर कोलैप्स कर देंगे तो आप कहते हैं कि फिर आप अच्छा जो आपने जो ये सनत खराब कर दी है सारी रियल स्टेट सेक्टर केनी जी सोसाइटी 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 कर दी कराची से इधर आप बाहिर की तरफ निकले है, सारी रॉकी माउंटेन ले ये ये जंगलात वाली जगह नहीं है या ये खेतीबाड़ी की जगह ही नहीं है ये अगर यहाँ पर बन जाती है तो अच्छा कराची पर से लोड खत्म होगा और लोग बाइक की तरफ एक आ, 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 शिफ्ट हो जाएगा पाप्लिय। पाप्लिय। आजकल लोग फैला के शहर बनाते हैं आप जद्दा देख लें उन्होंने चार मंजिले से ऊपर बिल्डिंग ही नहीं बनाई और फैला दिया उस शहर को वो उसका रकबा तकरीबन इतना ही है ये जो पैंतीस स्क्वायर जो है किलोमीटर का लेकिन उसकी आबादी हमसे वन थर्ड है बिल्कुल कम आबादी है तो वो क्या है कि सुकून लगता है वहां पर यहाँ हम तो फंस गए हैं घिचमिच हो गए सारा सिस्टम बिल्कुल हजूम की तरह से जो है ना अफरा तफरी का कोई में। ही है, कोई तो तो इस पौले इस है। पौले, पौलेसी, पौलेसी, तो ये तो ये ये अगर फैला फैला दें तो दें इसमें कोई हर्ज नहीं पॉपुलेटेड हो गया इसको रियल को को भी भी बढ़ाएं बढ़ाएं इंडस्ट्रीज गैस की आप आपके अगर खर्चे पूरे नहीं हो रहे या कुछ और सेक्टर हैं तो आप उसकी हमें होती है अभी तो बड़ी बेसिक चीजों को हो रहा है तो ये प्लानिंग डेवलपमेंट और लोगों को किस तरह अकोमोडेट करना है नए शहर कैसे बनाना है और उसके अंदर फिर आपने बहुत सारे इश्यूज हैं तो बेसिक इश्यूज के ऊपर ये अभी तक रुके में जैसा भी बात हो रही थी ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी समझी जाती है पूरी दुनिया में जब हम देखते हैं कि पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो उसको बड़ी मार्केट कंसिडर करते हैं आपकी नेबरिंग कंट्री के अंदर पूरी दुनिया उसका एज अ मार्केट देखती है कि बहुत बड़ी मार्केट है जितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है बट अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए ये चीज़ काम नहीं कर रही ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि आपके पास अगर इतना बड़ा ह्यूमन कैपिटल है और अगर आप उसको नहीं कैपिटलाइज कर पा रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपको अपने बहुत सारे मामला को देखना पड़ेगा जी परवेज भाई वट यू हैव टू से देखिए मैं नासिर भाई की बात को भी थोड़ा सा उस पर भी मैं आऊँगा और हुँ. आपकी बात का भी जवाब देता हूँ देखिए पॉपुलेशन जो है ना पाकिस्तान में अबाउट सिक्सटी परसेंट हमारी जो पॉपुलेशन है ना वो अंडर द एज ऑफ थर्टी ईयर ठीक है ना और उनका हमें जो है ना उसको यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है अदरवाइज वो आगे जाके ना तो उनका फ्यूचर क्या है वो क्या करेंगे क्या बनेंगे वो वही बनेंगे क्या वहाँ जाके कच्चे के डाकू बनेंगे क्या चीज़। क्या चीज़। करेंगे वो ठीक है ना और अब आप देखें कि स्पेशली आप अगर इंटीरियर में चले जाएं तो एजुकेशन का क्या हाल है ठीक है ना तो सबसे पहले तो देखें अगर आपके पास यूथ है तो आप उसके अंदर यूथ को ये देखेंगे लिटरेसी किसको आपने दिया है एजुकेशन किसको, किसको दिया अगर आप ये क्लेम करते हैं कि हमारे पास है ना यूथ है थर्टी अंडर द एज ऑफ थर्टी इयर्स और दुनिया को बता रहे हैं कि भाई हमारे पास इतनी यूथ है इतनी पॉपुलेशन है और ये यूथ हमारे काम आएगी तो किस काम आएगी आजकल दौर है ना एआई का दौर है वो किस काम आएगी पहले तो आप ये बताओ ठीक है ना आप जो कहता है ना जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले ये क्लेम करते हैं ना और यार वो किस चीजों के ऊपर क्रेडिट लेके जा रहे हैं ये क्या ये क्रेडिट लेके जा रहे हैं कि हमने पाकिस्तान में जो है ना बच्चों का भंडार लगा दिया इसका क्रेडिट लेके जा रहे हैं और अनप्लान भंडार लगा दिया बच्चे पैदा करा करा के लोगों का ये क्लेम लेके जा रहे हैं ठीक है ना कि जो उन्होंने कोई पॉलिसी के बगैर पॉलिसी के इतने सारे लोगों को बच्चे पैदा करे और आगे ना स्कूल है ना एजुकेशन है ना आगे रोड रोड मैप है उनके लिए तो क्या बनेंगे अच्छा फिर इसके बाद बच्चे तो पैदा करवा दिए फिर उसमें से ये भी तो बताओ ना दुनिया को कि इतने बच्चे जो है ना वो बिल्कुल उनको कोई एजुकेशन नहीं दिए झाल बनाया हुआ है ये भी बताओ कि उसमें से जो 60 परसेंट जो हमारी आबादी है ना जो हमारे बच्चे हैं उसमें से ये बताओ कि 80 परसेंट को तो हमने जाहिल रखा हुआ है ये भी लोगों को बताओ दुनिया को ताकि दुनिया को भी पता चला कि तुम लोग के लेबल लगा के जाते हो ना दुनिया में घूमते फिरते हो ना तो ये तुमने जो है ना लोगों को अस्सी बच्चों को तो तुमने जाहिल बनाया हुआ है जिनको कोई स्किल्स नहीं है कुछ भी नहीं है एजुकेशन नहीं है तो वो आगे जाके पाकिस्तान के लिए क्या कंट्रीब्यूट करेंगे सिर्फ ये है कि एक रेवड़ की तरह भेड़ बकरियों की तरह जहाँ लाठी चाहेगी ना तो वहाँ उनको मोड़ देंगे तो ये उनका प्लान है उनका ये प्लान नहीं है कि पाकिस्तान जाके कुछ आगे जाके तरक्की करे और ये लोगों को कुछ मिल जाए और उनका पेट भर जाए जहाँ तक बात आती है यहाँ की इसकी जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की अब आप बताओ कि लोगों को कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में वो लेके आए अपने इन्वेस्ट करें ठीक है ना फॉरेन इन्वेस्टर भाई आ जाओ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो ये पाकिस्तान को अपने प्लेट में सजा के रखा हुआ है ये बताओ ना कि अस्सी परसेंट तो हमारा बच्चा अनएजुकेटेड है उनको वो क्या हायर करेंगे वो लोग पहले कहाँ से लेके आएंगे ठीक है ना तो क्या उन्होंने पहले स्कूल खोलेंगे उनको पहले ये करेंगे फिर इसके बाद जो है ना और परवेश भाई इजाफा करूं अभी आपने कुछ देर पहले जैसे बताया था कि हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना वो दुनिया में सबसे ज्यादा खराब हो चुका है दो सबसे बड़े आपके शहर हैं पाकिस्तान के जो आपकी इकॉनमी के अंदर सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं कराची और लाहौर हाईली पॉपुलेटेड है बाहर वाले नहीं देखते हो कि इधर ट्रैवल कर सकते हैं जहां पे सांस लेना मुश्किल हो वहाँ काम करने का आप सोच सकते हैं तो मैं नहीं आपको नहीं? ये तो बता रहा हूँ देखें अभी वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए एक इन्वेस्टर बोलता है कि ठीक है यार पाकिस्तान में मैं आता हूँ इन्वेस्ट करने आता हूँ जमीन जमीन उसको बोलते क्या है कि भाई ये पचास परसेंट जो है ना ये ऑफिशियल वैल्यू दे दो पचास परसेंट नॉन ऑफिशियल दे दो वो अपना सर खुजाते बोलते ये कौन सी जमीन मैं खरीद रहा हूँ जिसका पचास परसेंट की मेरे को रजिस्ट्री मिल रही है और पचास परसेंट बोलते कैश दे दो तो बोलते ये कौन सी जमीन खरीद रहा हूँ तो छः करोड़ रुपए की उसने एक एकड़ जमीन ले ली किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में मैं नाम नहीं लेता हूँ ठीक है ना तो छह करोड़ रुपए ज़मीन ले ली फिर उसके बाद आपने एक एकड़ एक पे आप डेढ़ लाख स्क्वायर फीट की आप बिल्डिंग बनाएंगे डेढ़ लाख स्क्वायर फीट की बिल्डिंग बनाएंगे तो आपके एक डेढ़ अरब रुपये उसमें निकल गए ठीक है ना तो वो समझ लें कि आपने जो है ना जो पैसे जिसके पास थे ना वो तो उसने उस पर लगा दिए फिर वो बोलेगा यार मशीनरी मुझे लेनी है अभी पाकिस्तान में कोई मशीन तो है नहीं तो और फिर मशीन लेने जाएगा दुनिया में तो फिर वही जो स्टेट बैंक से एल खुलाएगा तो बोलेगा यार कौन सी मशीन है हमारे पास तो पैसे है नहीं, नहीं। मशीन हम कहाँ से देंगे आप अपने खुद मशीनें लेके आओ वही क्या है ना? तो आप मशीनें लगाओगे मशीनें लगाओगे तो बोलेगा कि भाई बिजली तो हमारे यहाँ इतने रुपये की है और गैस हमारे पास है नहीं पानी हमारे पास है नहीं अस्सी परसेंट जो लोग हैं ना वो अनएजुकेटेड हैं पहले उनको सिखाओ पढ़ाओ फिर इसके बाद आपकी फैक्ट्री चलेगी फिर इसके बाद जो है ना जो बोलेगा कि भाई अब मुझे मैंने तो अपने सारे पैसे तो डाल दिए अब मुझे फैक्ट्री चलाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए अच्छा रॉ मटेरियल चाहिए तो भाई वो बैंक से ले लो कर्जा बैंक से कर्जा लेने ले ले। का बैंक वाला बोलेगा सत्ताइस परसेंट मेरा इंटरेस्ट रेट है भाई चाहिए तो लो वरना भाग जाओ <laughs> तो वो बोलेगा कि यार ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसके अंदर मैं साठ मुनाफा करूंगा जिसमें सत्ताईस पहले बैंक को दूंगा फिर जो है ना बीस बाईस परसेंट मेरा ओवरहेड एक्सपेंसेस होंगे और फिर दस परसेंट तो मुझे मिलना चाहिए मैंने डेढ़ दो तीन अरब रुपए लगाए वरना तो मैं बैंक में रख देता बैंक में मुझे बाईस परसेंट मिल जाता तो इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हो ही नहीं सकती विद दैट इंटरेस्ट रेट एवरीबडी विल पुट देयर मनी इन द बैंक और वो बोलेगा ना मुझे अकाउंटेंट की जरूरत है ना मुझे कोई लेबर की जरूरत है मुझे आराम से बैंक से मिलना है मेरे डेढ़ दो अरब रुपए रूपए मुझे आराम से मुझे क्या जरूरत है कि मैं ये करूं तो इस तरह से हम पाकिस्तान के जो लोगों को जो है ना ना इंडस्ट्री लगाने देंगे ना ही जो है ना लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे क्योंकि इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं लगेगी अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ टाइम है ना आपके पास तो जी मैं भी आता हूँ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में क्या होता है कि एग्रीकल्चर बहुत ही सिंपल है जमीन दे दी वो उसमें खड्डा खो देंगे एक प्लांट लगाएंगे और कुछ ना कुछ तो होगी उसमें जो है ना आपकी दूसरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होती है ना आपको बिल्डिंग बनानी है ना आपको कुछ बनानी है ना आपको उन लोगों को जो है ना आई एक्सपर्ट बनाना है वो जो अस्सी जो है ना जो रेवर्ड है ना वो वहाँ जाके खप जाएगा यूटिलाइज हो जाएगा तो ये एक माइंड से जा रहे हैं कि है। अब करें क्या यही है हमारे पास क्योंकि यूथ जो, जो है ना वो तो ना कर रहे उन्होंने ट्राई करके देख लिया और दुनिया को बताया कि भाई यूथ है मगर दुनिया ने वो उनको हाथों हाथ नहीं लिया क्योंकि हमारी आईटी एक्सपोर्ट जो है ना दस बिलियन भी क्रॉस नहीं कर सकती ये इसका सबूत है कि हमारे पास जो यूथ है ना वो उस काबिल नहीं है उसकी वो क्वालिटी नहीं है अब आप देखें कि हम अगर यूनिवर्सिटी और आईटी इंस्टीट्यूट को इंडिया से कंपेयर करते हैं तो आप वहां जाके देखो तो सही कि कि कितने क्वालिटी के इंस्टीट्यूट हैं कितने इंजीनियर निकलते हैं कितने आई एक्सपर्ट निकलते हैं हाउ मेनी इंस्टीट्यूट वी हैव हाउ मेनी आई टी इंस्टीट्यूट वी से कंपेयर कैसे कर सकते हैं देखें पहले तो आपको क्रॉप पैदा करने पड़ेगी ना जब आप एक दरख से फल लेते हैं तो पहले तो आपको दरख का एक पौधा लगाना पर पड़ेगा पर ना लगा। फिर वो उसको पानी देंगे, देंगे तो बड़ा होगा फिर आप फल निकालेंगे आप कैसे डायरेक्ट फल निकाल सकते हैं जमीन से यार अभी अभी आप डायरेक्ट जमीन से तो फल नहीं निकाल सकता मैं कहूँ कि आम में पेड़ से नहीं उठा लूँ और ज़मीन से उठा लूँ ऐसे तो नहीं हो सकता है दुनिया में ठीक है।, है नहीं ये नेचर के खिलाफ है आप नेचर के खिलाफ जा रहे हैं अच्छा तो फिर ये जो ये जो ज़मीनें देखें अब आप बताएं कि पानी का वैसे ही कहते पानी हमारे पास पीने के लिए है नहीं आप इतनी लाखों एकड़ को पानी कैसे देंगे सबसे पहले जो बुनियादी चीजें देखें आप भी आपने एग्रीकल्चर कर लिया चलो दस लाख एकड़ आपने जमीन को आ, आ, वो कर दिया ना आपने कल्टीवेट कर दिया मगर पानी कहाँ से देंगे फिर इसके बाद देखें वो दस हजार एकड़ को जो है ना आप हाथ के जो है हल से ट्रैक्टर से जो है ना आप काम नहीं आपको बहुत ज़्यादा लेटेस्ट इक्विपमेंट चाहिए अब तो आप उस ऐसी दुनिया के अंदर देखें जिन ममालिक के अंदर ऐसी फर्जाल लैंड नहीं है वो ये कर रहे हैं कि आप वो जो वर्टिकल फार्मिंग है उसकी तरफ जा रहे हैं कम पानी से ज्यादा क्रॉप आप बना रहे हैं और ज्यादा फास्ट हो गया प्रोसेस अपने तो, कंट्री का नाम ये, तो लोग हैरान हैरान है इसराइल सबसे पानी छोड़ देंगे क्या यार हमारी यील्ड सबसे कम है इस वक्त जो है ना जो पर एकड़ जो यील्ड हम लेते हैं उसकी वजह ये है कि हमारा जो एक तो साइंटिफिक तो बुनियादों पर एग्रीकल्चर को नहीं किया हुआ आप देखिए जो कॉटन का हम लगाते हैं वो 92 से जो इस्तेमाल हो रहा है वही हम लगा रहे हैं दुनिया कहाँ कॉटन के अंदर एक हम लोग लेते लेते नहीं है जिससे हमारे ये, ये मैं इसमें थोड़ा सा एडिशन करूंगा क्योंकि बात बड़ी गर्मा गर्मी हो रही है तो इसलिए थोड़ा सा इसको जरूर करना चाहिए जो आप किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं कह सकते कि आइए हमारे इन्वेस्टमेंट करें कभी भी कोई इस तरह नहीं आएगा वो आपकी पॉलिसीज देखेगा जिस तरह इन्होंने पूरी डिफाइन की है आपको अपनी पॉलिसीज अच्छी करनी पड़ेगी आपको इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा गैस प्राइसेस आपको रीजनेबल रखनी पड़ेंगी इलेक्ट्रिक प्राइसेस यूटिलिटी प्राइसेस जो प्रॉपर्टी प्राइसेस कंस्ट्रक्शन प्राइसेस एक और चीज आपको बता दूं जी एक और चीज ये है कि हमारी जो भी पॉलिसी है जो भी हमारा बजट आता है ना वो बाहर का इन्वेस्टर ये कहता है कि मुझे पांच साल का आपका बताओ कि तुम्हारी टैक्स पॉलिसीज क्या होंगी दस साल का प्लान बताओ वो है नहीं आप तो जो है ना हर साल बजट लेके आओ उसमें तो चार तो मिनी बजट आते हैं तो अभी तो हमने इन्वेस्टमेंट लगा ही नहीं है और इसमें तो चार मिनी बजट आगे और हमारे पैसे इधर उधर हो गए हमें पता ही नहीं क्या हुआ हर जगह बोलता हूँ आज हम आज कंपटीशन का जमाना है आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी तो आपकी प्रोडक्ट बिकेगी वो ये नहीं।, नहीं होगी कि आप फलाने हैं या आप, आपकी कास्ट क्या है या आपके मजहब क्या, क्या है ये कुछ नहीं देखा जाएगा, जाएगा। प्रोडक्ट आपकी देखी जाएगी हर किसी को अपनी हेल्थ भी प्यारी है हर किसी को अपनी जो है ना वो अपनी इन्वेस्टमेंट भी प्यारी है आपके आस पास सराउंडिंग जो मुल्क है वो आपसे बहुत बेहतर आपको जो है ना फैसिलिटी दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी दे रहे हैं आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं आपको इन्वामेंट अच्छा दे रहे हैं आप पाँच परसेंट के ऊपर आपका टैक्स सिस्टम जो आपके नेबरिंग कंट्रीज हैं जो इमीडिएट जो आपकी जो है वो आपको अगर देते हैं और आपको जो इंटरेस्ट रेट भी है वो आधा परसेंट एक परसेंट पर आप देते हैं तो आप वहां फैक्ट्री लगाएंगे और सुकून की जिंदगी अच्छा प्लस वो आपका जो पीसफुल इन्वायरमेंट है लॉ एंड ऑर्डर जबरदस्त सिस्टम का कि रात तीन बजे भी निकल जो आपको कोई टेंशन नहीं है उसमें अच्छा हर चीज हर चीज सही है क्वालिटी ऑफ लाइफ है आप पहले वो चीज़ दो Hmm. फिर आप कहो कि अब हमने ये चीज़ डेवलप कर दी है अब हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाएं। इस हजूम की हालत में रेवड़ की हालत में कौन फैक्ट्री लगाए मुझे मेरे दादा ने भी फैक्ट्री चलाई मेरे अब्बा और चाचा ने भी फैक्ट्री चलाई मैंने भी फैक्ट्रियाँ hmm. चलाई हैं ठीक है लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा वो तो हम चलाते चले जा रहे हैं ठीक hmm. है सही है लेकिन अब अगर नई फैक्ट्री लगाएं तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ जो लैंड बिल्डिंग और मशीनरी जो कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज कर गई कि वो फारवारा नहीं करता अब मैं आपको बताता हूँ जैसे मैंने नेबरिंग कंट्रीज़ का किया आपको चाहिए उससे बेहतर पॉलिसी करें ठीक है इवन अगर आप उसकी जैसी पॉलिसी भी कर देंगे ना आप अभी अभी पाँच परसेंट ड्यूटी कर दें इधर कस्टम ड्यूटी इम्पोर्ट ड्यूटी जो टैरिफ है आप इंटरेस्ट रेट भी उसी लेवल का कर दें तब भी हाँ कोई नहीं आएगा इसलिए कि लॉ एंड ऑर्डर है फिर जो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो सारा कुछ आप जब तक आप कंपटीशन करें ना ये नहीं क्या आप किसी क्या कि के आगे भीख मांगे कि मेरे पास फैक्ट्री लगा लो और ये उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट दें आप उसको बेनिफिट एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं फैक्ट्री लगाने का पता है क्या वो लोग कहते हैं पैसे दे के जो है ना सुसाइड करो जी जी पैसे दो किसी को लोग मैं सुसाइड करने जा दादा कहते जैसे जमीन पे कब्जे हो जाते हैं सालों साल से आपकी अपनी जमीन पे आप कब्जा नहीं छोड़ा सकते यार ये कोई ये एक ये भी बहुत बड़ा आदमी है मेरे दादा कहते थे कि फैक्ट्री चलाना जो है ना वो नंगे पांव

तो अब देखें ना सरिया फैक्ट्रियां भी अपनी फोर्टी परसेंट प्रोडक्शन पे आ चुकी हैं सीमेंट की प्रोडक्शन कम हो रही है लेबर जो उसके साथ लेबर आपकी इम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो सारी डाउन हो रही है फिर प्राइसेज इतनी फ्लैट या अब जब चलेगा नहीं तो फ्लैट कराची में इतने महंगे हो चुके हैं कि आम बंदा ले नहीं सकता करप्शन होती है फिर मारामारी होती है ठीक है परवेश भाई एक, एक, एक अब समझ में ये आता है कि देखें इसके लिए सबसे पहले आपको एक गवर्नमेंट ये डिसाइड करे ये सारी बैठ के डिसाइड करें कि एक पॉलिसी हम इंट्रोड्यूस कराते हैं फॉर लाइक टेन ईयर्स एटलीस्ट टेन ईयर्स और उसके बाद उसमें कंटिन्यूटी रहती है क्योंकि पॉलिटिकल जो हमारे यहाँ ये क्राइसिस रहते हैं एवरी नाउ इन देन हम देखते हैं कि उसके अंदर कोई हुकूमत आ रही है किसी को सेटिसाइड कर दिया किसी को खुश हो गया अगर पॉलिसी के अंदर कंसिस्टेंसी होगी तो डोंट यू थिंक मसला हल हो सकता है क्योंकि अभी तक हमने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को वही सियासत करते हुए देखा है लेकिन इस एजेंडे के ऊपर एक नहीं हो पा रहा है क्योंकि अगर ये हो गया तो ख्याल ये है कि ये जो हम सारी बातें जो कर रहे हैं ये मटेरियलाइज तब होंगी जब कंटिन्यूटी रहेगी क्या ये मुमकिन हो सकेगा क्योंकि नियर फ्यूचर नजर नहीं आ रहा वेरी सॉरी बातें तो बहुत हुई हैं के मैशे. ये बात जी नारा जी नारा वो नारा लगा वो नारा नारे में गुम हो गया है देखे पाकिस्तान का ही एक बंदा था महबूबुल हक जिसने कोरिया में जाके उसकी जो सारा जो सिस्टम था ना उसको सही कर दिया और आज कोरिया का है पाकिस्तान का है वही मह उसी बंदे ने पाकिस्तान में सबसे पहले फाइव इयर्स डेवलपमेंट प्लान और टेन इयर्स डेवलपमेंट प्लान उसने दो उसने किताबें लिखी थी जो पाकिस्तान को जो है ना कहीं और ले जाता ठीक है ना और वो दुनिया में पाकिस्तान उस वक्त जो है ना दुनिया में पाकिस्तान एक समझ लो कि एशियन टाइगर बन जाता उस वक्त ये सिंगापुर भी उस वक्त नहीं था ये मलेशिया भी उस वक्त नहीं था ये दूसरे जितने भी कंट्री दुबई भी उस वक्त उस पे उस पे नहीं था मैप पे नहीं था जो उस वक्त पाकिस्तान कर ये सकता पर था इनकम निकल कर आइए साउथ कोरिया की तो ये ये हमारे जो महरूम ऑनरेबल महबूबुल हक साहब ने जो करा था तो देखें ये तो प्रूवन है कि अगर मैं अपने आप में ही एक मैं फैसला नहीं करूंगा कि मुझे आज क्या करना है और मुझे इस साल मुझे क्या करना है और मैं अपने डिसीशन अभी जाते जाते बात करते करते मैं अपना स्टेटमेंट चेंज कर दूंगा तो मेरे में कंसिस्टेंसी नहीं, नहीं है आप भी मुझे बुलाओगे परवेश भाई को मैं क्यों बुलाऊ ये तो अपने जबान पर ही पूरे नहीं है उनकी स्टेटमेंट चेंज होती रहती है वो कभी क्या बात करते हैं कभी क्या बात में वो बोलते हैं अभी वो कंफ्यूज है खुद ही कंफ्यूज है तो उसको कहते हैं कंफ्यूज कंट्री कंफ्यूज इकोनॉमी तो पीपल कम टू मी जैसे फॉरेन इन्वेस्टर मैं दो वेंचर चला वो कहते हैं कि यू आर ए कंफ्यूज कंट्रीजली confused country this is the title we are getting from the foreign investor and what what we are talking about तो कंफ्यूज कंट्री के लिए तो यही होता है ना कि आपकी कोई प्लानिंग नहीं है आपकी कोई पॉलिसी नहीं है आपकी कोई कंसिस्टेंसी नहीं है नहीं। देखो पांच साल आप उसको फ्रीज कर दो दस साल आप उसको फ्रीज कर दो करके तो देखो एक दफा ठीक तो है ना करके तो देखो कि हमें क्या करना है देखें यहां लोग फिर इन्वेस्टमेंट भी करेंगे बाहर से भी लोग आएंगे चलो पानी नहीं है बिजली नहीं है कुछ भी नहीं है मगर आप कंसिस्टेंसी दोगे ना पॉलिसी में क्योंकि पाकिस्तान की एक इंटरनल खपत भी है ना जो भी बाहर का बंदा आएगा ना ये देख के नहीं लगा कि यार बाहर दूसरे मुल्कों में क्या है या दुबई में इंसेंटिव है या मलेशिया में क्या इंसेंटिव है या सऊदी अरब में वो ये देख के आएगा कि पाकिस्तान में आ वो आ अपने 24 करोड़ लोग यहाँ पाकिस्तान में है वो देखेगा पॉपुलेशन क्या है अगर मैं आज यहाँ फैक्ट्री लगाता हूँ और आज मैं यहाँ कोई प्रोडक्शन लगाता हूँ तो मुझे पता है कि ये तो लोग लेने वाले हैं इसकी मार्केट ये है खाने की चीजें यहाँ है पहनने की चीजें यहाँ है इंडस्ट्री लगेगी तो ये है मुझे काम करने वाले वर्कर्स भी मिलेंगे मुझे वो पानी बंदोबस्त कर लेगा right. बिजली के लिए जनरेटर लगा लेगा कुछ भी कर लेगा बट हमें पॉलिसी तो कंसिस्टेंसी चाहिए ना सबसे पहले है. पॉलिसी फाइव ईयर्स टेन ईयर्स प्लान चाहिए फिर आप किसी से okay. बात करो अदरवाइज बात नहीं करो वरना कंफ्यूज इकोनॉमी का टाइटल लेके चलो जिंदगी थैंक यू सो वेरी मच बहुत शुक्रिया आपका और बातें ऐसी हैं कि बहुत सारी इसमें और चीज़ें हैं जिसको हाईलाइट कर सकते थे नासिर भाई अगेन आपका भी बहुत शुक्रिया आप शुक तो -शु बड़ी अच्छी गुफ्तू की है बहुत सारे पॉइंट्स को हाईलाइट किया वेल वक्त हो रहा है एक ब्रेक का ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ना होगा आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची